जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं अभी अपने घर के बाहर हूं और हमने ये दो एक एक लीटर के पानी की बोतल को धूप में सूखने हुए दिया था ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से सूख जाएं, क्योंकि मैं इससे करने वाला हूं कि अपनी ही गाड़ी का पेट्रोल अपने हाथ निकालूंगा। मैं इस नॉब को, जो कि रिजर्व में चल रही है मेरी गाड़ी, इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। जी हाँ, ये बीच में ऑफ का है। अब मैं यहाँ से ये पेट्रोल की पाइप के क्लिप को हटा दूँगा ताकि मैं अपनी पाइप पेट्रोल कार्बोरेटर से जो जा रही है उसको मैं निकाल पाऊँ। मैं अपनी ही गाड़ी के पेट्रोल को अपने ही हाथों चोरी कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। क्यों आ गया? जैसा कि सारा पेट्रोल हमने निकाल दिया है बाइक का, और मैं अब इस पेट्रोल पाइप को लगा लेता हूँ, इसके लॉक को सही जगह पे डाल दूँ ताकि हमने पेट्रोल पंप से आधा लीटर पेट्रोल ले रहा हूँ, और इस पेट्रोल को जब टंकी एम्प्टी हो जाएगी फिर मैं टंकी में डालूँगा और आप लोगों को चला कर दिखाऊँगा कि आखिर गाड़ी देती कितनी है। मैं अपनी गाड़ी से एक एक बूंद पेट्रोल निकाल चुका हूँ, और जिसमें से सारा का सारा पेट्रोल हमने अपने घर में रख दिया है। और एक लीटर पेट्रोल मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ, और जाने के क्रम में आधा लीटर पेट्रोल हमने पंप से परचेस किया है कि क्वांटिटी में अंतर ना पड़े। अंदाज अंदाज भी होता है, और टंकी में जो बचा हुआ जो पेट्रोल है उसको मैं जलाने के लिए निकल पड़ा हूँ। जहाँ टंकी का पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा ये हो गई बाइक की पेट्रोल ख़त्म। तो अब मैं इसको साइड में कहीं खड़ा करता हूँ, और फिर मैं आप लोगों को किलोमीटर की रीडिंग को दिखाता हूँ। यहाँ टर्निंग है, मुझे थोड़ा आगे निकलना है। ये हम अपने 46,714.1 पे मेरी गाड़ी का टंकी एम्प्टी हो चुका है। ये अब आप लोग देख ले। अब नहीं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने जो पेट्रोल पंप से जो आधा लीटर पेट्रोल ले रखा था उसको अब मैं अपने गाड़ी के टैंक में डालूंगा। ये खोला टंकी, और ये
ये कहाँ गया कहाँ गया, देख सकते हैं आप लोग, ये धर 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 धर, सॉरी सॉरी, अब गया अंदर, ठीक है। आधा लीटर पेट्रोल हमने गाड़ी में डाल दिया, अब मैं टंकी को करता हूँ बंद। ये हो गई बंद। एक पे हमने अपनी बाइक के टंकी में आधा लीटर पेट्रोल, जी हाँ आधा लीटर पेट्रोल को डाला है, और अब मैं आप लोगों को चला के दिखाता हूँ कि भैया आखिर ये देती कितना है। माय गॉड दोस्तों, 19.5 किलोमीटर चल चुकी है मेरी गाड़ी, और मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा है कि मेरी गाड़ी का माइलेज इतना है। तो अभी भी चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है, और लगातार लगातार और लगातार मैं चल रहा हूँ उसी आधे लीटर पेट्रोल में। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये 46,734.4, मतलब ये कि गाड़ी चली है मेरी 20.3 किलोमीटर आधे लीटर पेट्रोल में, और वो भी बिल्कुल लोकल रोड पे, कनेक्टिंग रोड पे। और मैं बता दूं कि उस रोड में कम से कम 10 बम्पर होंगे, स्पीड ब्रेकर और 2 यू टर्न भी हमने लिए हैं, इसके बावजूद भी ये माइलेज है। वाह क्या बात है दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि मेरी बाइक जिसमें मैं आधे लीटर पेट्रोल अपनी पंप यानी कि मेरे घर के नज़दीक जो पंप है वहाँ से मैं लेकर चला था, और उस आधे लीटर पेट्रोल में मेरी गाड़ी कुल चली है 20.3 किलोमीटर, वो भी लोकल रोड पे, लिंक रोड पे, कनेक्टिंग रोड पे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस बाइक का माइलेज कितना है, और मैं ये निकाल चुका हूँ आप लोगों के सामने कि रॉयल इनफील्ड इलेक्ट्रा आखिर देती कितना है। तो आप क्लियर हो गए होंगे, अगर लोकल रोड पे इतनी देती है तो हाईवे में कितने देगी, वो भी मैं आने वाले वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि भैया हाईवे में ये रॉयल इनफील्ड इलेक्ट्रा कितनी देती है। और इसी तरह के वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल बटन के घंटे को तो तोड़ कर ही फेंक दें, चाहे ताकि मेरी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी। और तो मिलते हैं अपने आने वाले नए वीडियो में, तब तक के लिए अपनी और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।